हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपको बता दें कि यहाँ पे 11,18,000 किसानों का जो है यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट होल्ड पे रख दिया गया है। 11,18,000 किसानों को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगला जो किस्त है वो नहीं मिल पाएंगी। कारण क्या है, क्या दिक्कत है, किस वजह से जो है 11,18,000 किसानों को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दी जाएंगी, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस समस्या का आप कैसे निदान करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे, पूरी प्रोसेस करके भी आपको बताएंगे कि किन यहाँ पे किन कारण से जो है 11,18,000 किसानों की जो है पेमेंट राशि होल्ड कर दी गई है और इसका सोल्यूशन क्या है, क्या आप करेंगे ताकि आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो पहले आप चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मेन जो वेबसाइट है pmkisan.gov.in पे जाना है। यहाँ पे डाउन आएंगे तो फॉर्म और कॉर्नर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आना है बेनिफिशियरी लिस्ट। यहाँ पे जो किसानों का लाभ मिल रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, उसका लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक चूज कर लेनी है और यहाँ पे आपको विलेज चूज कर लेना है, किस गांव का आपका है। उसके बाद गेट रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अपना नाम चेक कर लेंगे कि जो हमारा लिस्ट इसमें दिया गया है इसमें हमारा नाम है कि नहीं। अगर नाम यहाँ पे है तो कोई प्रॉब्लम्स आपका नहीं है। अगर यहाँ पे आपका अगर नाम नहीं आती है तो उसके बाद आपको एक और स्टेटस चेक करना है। फिर होम पेज पे जाएंगे, पीएम किसान का इस पे क्लिक करेंगे होम पे, उसके बाद आपको आना है बेनिफिशियरी स्टेटस पे, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपना बेनिफिशियरी स्टेटस दो तरीकों से आप देख सकते हैं, पहला आधार नंबर से और दूसरा अकाउंट नंबर से। चलिए हम आधार नंबर से ही देख लेते हैं। आधार नंबर एंटर कर लिया और गेट डाटा पे आपको क्लिक कर देनी है। नया इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा जिसमें आपका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर, पिता के नाम, यहाँ पे आधार नंबर, अकाउंट नंबर, स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका गांव का नाम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाता है, कब आप रजिस्ट्रेशन किए उसका डेटा आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको चार चीज देखना है कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है कि इनएक्टिव, ये आप चेक कर लेंगे कि आपका अकाउंट जो है एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो क्या करना है बताते हैं। दूसरी आपको ये देख लेना है, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है PFMS बैंक स्टेटस, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक, ये आपका एक्सेप्टेड दिखा रहा है कि अनएक्सेप्टेड दिखा रहा है, ये स्टेटस चेक कर लीजिएगा। दूसरा, तीसरा आपको देख लेना है कि आधार स्टेटस, यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाइड दिखा रहा है कि नहीं। तीसरी और चौथा यहाँ पे आपको देख लेना है पेमेंट मोड आधार है कि नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट जो मोड है वो आधार मोड से ही जाएगा। पहले डायरेक्टली जो है अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी, मगर 1 अप्रैल 2022 से जो है पेमेंट मोड यहाँ पे आधार दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आधार में जो है आपका जो बैंक अकाउंट है आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे दिए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, वो आधार से लिंक होना चाहिए, जिसको आप NPCI भी बोलते हैं। अगर आपका आधार NPCI से लिंक नहीं है तो वो आप करवा लीजिए। अगर आपका जो आधार है बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका पेमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। इस कारण से जो है 11,18,000 किसानों का जो है जो मिलने वाली जो लाभ है वो यहाँ पे होल्ड कर दी गई है। उनका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है, इस वजह से उनकी जो है नेक्स्ट किस्त जो मिलने वाली है वो बंद कर दी गई है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपके आधार में जो है जो आपका आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप वो करवा ले, जो अकाउंट आप दिए हैं वो आधार ले जाइएगा, अपना पैन कार्ड ले जाइएगा और बैंक का पासबुक ले जाइएगा और बैंक में बोलिएगा हमारा जो आधार है वो NPCI से लिंक कर दीजिए। लिंक कर देंगे तो आपका पेमेंट मोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा और आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो वो भी आप करवा लें। और EKYC आपको कराना ही कराना है, आप जानते ही हैं। अगर आप EKYC ना कराते हैं उसकी वजह से भी आपकी पेमेंट होल्ड हो सकती है।
तो ये दो काम जो है आप चार स्टेटस यहाँ पे देख लेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी जो पेमेंट मिलने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वो आपके अकाउंट में आ जाएंगी। तो ये था आज का मस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने इस वीडियो में कवर की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना न भूलिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।